Assalamualaikum, welcome back with another vlog। और आज मैं आई हुई अपनी खाला के घर और खाला हम लोगों की फरमाइश पे आज पैटी बर्गर और पिज़्ज़ा बना रही हैं और उनकी वीडियो शूट करने के लिए मैं ऊपर आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें अपना भी व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए, तो उनकी वीडियो शूट करती हूँ, बाकी का व्लॉग फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं ऊपर वाले किचन में। क्योंकि खाला के व्लॉग की वीडियो बन रही थी तो काफ़ी सारा सामान जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, मैं नीचे वाले किचन से वो सामान उठाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं खाला से रेसिपी वगैरह सीख रही हूँ। अब पता नहीं याद रहेगा या नहीं रहेगा, ना भी रहा तो बाद में इनका व्लॉग देख के बंदा बना लेगा। खैर पहुँच गया, हम भूल गया, अब इनका देख मुझे नीचे से उठाना था ये सीख कबाब मसाला, और साथ लेनी थी एक अदद रिंग लाइट खाला की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मैं अब इतनी देर मोबाइल पकड़ के उनको ठहर तो नहीं सकती क्योंकि मैंने अपना भी व्लॉग बनाना है। तो इसको उठाते हैं और पानी लेते हैं किसी बोतल में, ये ली हमने पानी वाली बोतल, और इसमें लेंगे पानी। अब मैंने सारा सामान उठा लिया है और वापस जा रही हूँ ऊपर, यानी ऊपर वाले किचन में। अब खाला का फ़ोन हमने लगा दिया है स्टैंड, अब ये खाला को बताते हैं टेस्ट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाला ने बना के दे दिए हैं मुझे बर्गर्स, और इनको लेके जाना है और बस ओवन में गरम करना है, और ऊपर से बन उतार ली थी ताकि सॉफ्ट ना हो जाए। देख नीचे वाला सॉफ्ट हो गया। अच्छा चल लगा, और ये तैयार हो चुका है। वाह, अब बन चुका है ये बर्गर, और इसको खाते हैं और बताते हैं कि कैसा बना। मजेदार, मजेदार, yeah, wow। अभी हम कोई गेम नहीं खेल रहे थे, मैं और राफी थे, तो हम लोग क्या गेम खेल सकते थे सोच रहे थे, तो हम लोगों को एक आइडिया आया कि ना ये है राफी की कार और इसका हम करेंगे स्पीड टेस्ट। तो राफी, मैंने तो कहा कि टाइमर लगा के हम लोग स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन राफी ने कहा कि नहीं, हम तो इसको ना ट्रेडमिल पर चला के और फिर इसका स्पीड टेस्ट करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। तो राफी इसको रिमोट से क्या होता है कंट्रोल करेंगे, और मैं इधर से स्पीड बढ़ाऊंगी और हम चेक करेंगे कि कितनी स्पीड में ये गाड़ी चल सकती है। तो ट्रेडमिल ऑन करते हैं, अब हम स्टार्ट कर दिए ये 1 की स्पीड में। अब रफ इसको चला रहे हैं, चलाते रहो चलाते रहो, ये आगे जा रही है और ये सीधे नहीं चल रही। अब मैं ऊपर से स्पीड बढ़ाती हूँ, स्पीड कर दिया 3 की, लेकिन ये 3 की स्पीड में बिल्कुल फास्ट चल रही है। अब हम स्पीड थोड़ी और फास्ट करते हैं, और ये गिरी है 7.2 की स्पीड में। ये कार सिर्फ 7.2 की स्पीड में चल सकती है। कुछ हर्डल्स लगाएंगे और फिर देखते हैं कि इसकी क्या होता है, क्या सीन है। जो है ये इधर से चलेगी और ये हमारा ट्रैक है, और इसके दरमियान से गाड़ी ने गुजर के जाना। चलो राफी, बोतल को टच नहीं होनी चाहिए, चलो देखते हैं राफी कितनी देर में। ओ आउट, अगर ये इन बोटल्स को थोड़ी सी भी टच हुई तो आउट। ये गई है मैं,
अब हो रहा है टाइम नमाज़ मगरिब। वैन का तो लगाते हैं फ़ोन को चार्जिंग पे, फिर नमाज के बाद खाला ने पिज़्ज़ा बनाना है तो उनकी वीडियो शूट करनी है, फिर उसके बाद देखें क्या होता है आगे व्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब कर जी। तो अब पिज़्ज़ा बन चुका है और रेसिपी का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप लोग जाके खाला के चैनल पे चेक कर सकते हैं और ख़ुद भी बना के ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। और यहाँ से लेने थे मुझे पेंसिल कलर्स। और हमें सराय की चौक पे रास्ते में नजर आया टर्किश डोनर के नाम से एक कार्ड, जहाँ का हमने सोचा कि क्यों ना रैप ट्राई किया जाए। तो हम लोगों ने रैप ट्राई किया। ये बेसिकली एक चपाती टाइप था जिसके अंदर शॉर्मे जैसी कुछ फिलिंग की गई थी और इसके अंदर ऑलिव्स भी यूज़ किए गए थे। मेरी कज़न को तो इसका टेस्ट अच्छा लगा लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। उसके बाद हम लोगों ने खाई आइस टच की आइसक्रीम। यहाँ की आइसक्रीम काफ़ी अच्छी होती है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हैं वो ओरो के कलर्स जो अभी हमने ख़रीदे। वैसे तो आर्टिस्ट बेस्ट कलर्स फाइबर कास्टल के कलर्स हैं, लेकिन नॉर्मल यूज़ और ड्रॉपरी शेडिंग के लिए आप ओरो के कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छे कलर्स हैं और ये आपको चीप प्राइस में भी मिल जाएंगे। ये 36 कलर्स का पैक मैंने सिर्फ 700 में लिया है। तो अब करते हैं हम व्लॉग को एंड और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इल्तमास दुआ।